हेलो दोस्त, मैं प्रेम आज आप लोग को हम मजबूरी में आकर बता रहा हूँ। ना तो मैं यूट्यूबर हूँ और ना ही मुझे नेता बनना है या कुछ भी, लेकिन मैं भी आप ही लोग की तरह एक स्टैंड बाय कैंडिडेट में हूँ। और आज हमको मजबूरी में बहुत कुछ देखने के बाद लास्ट में ये वीडियो मैं अरविंद भाई के माध्यम से डाल रहा हूँ आप लोगों के बीच। और मेरा कहना है कि देखिए, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी हो, जितने भी वेटिंग लिस्ट में थे, स्टैंड बाई में जितने भी बच्चे थे, सबकी लाइफ बन गई या बनने वाली है या बन रही है या बनेगी, या जो बच गए हैं उनके लिए, सबके लिए ही है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने CBT 1, CBT 2, पार्ट 1, पार्ट 2, DV मेडिकल, सारा कुछ साइको को सब फेस किया, उसके बाद हम लोग इंतज़ार करने लगे। और इंतज़ार करते करते क्या हुआ कि हम लोगों ने कभी सोचा था कि इतने लोगों की एक साथ वेटिंग क्लियर होगी? आप लोग खुद सोचो, कभी सोचा था? बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ जॉब भी पकड़ लिए, कुछ हार मान गए, लेकिन हम लोगों को कुछ लोगों के प्रयास से, ये नहीं बोले सारे लोगों को प्रयास से, कुछ लोगों का ही मेहनत रहा जिसमें कि आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि सारी ALP की वेटिंग क्लियर हो गई, JEE वाले जो कभी सोचे भी नहीं थे उनका वेटिंग क्लियर हो गया बहुत का, पैरामेडिकल जो कि कभी नाम भी हम लोग तो खैर नहीं जानते थे, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था ये पता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो लोग भी वेटिंग में हैं, उनका भी ऑल क्लियर हो गया। तो भाई, हम लास्ट में यही सिर्फ कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ कि जो जंतर मंतर या प्रोटेस्ट या फलाना ढकाना का प्लान बना रहे हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। यदि रियल में आप लोगों को जॉब चाहिए तो वो पॉलिटिक्स के शिकार में ना हो। आपको पता है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना या ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे ढिकाना करेंगे, बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं, ये सरकार आपको पता है सुनने वाले में से नहीं है। और हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें अधिकारियों को बता के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हम लोग का अब लेट ना करिए। जैसे ALP का डाइवर्जन किया, फिर एडिशनल किया, सारा कुछ किया, उस तरह JEE का, टेक्नीशियन का, जो भी बच रहे हैं स्टैंड बाई मेडिकल फील्ड, वो ये काम करें। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो जो जिनको जिनको जॉब चाहिए, हम लोगों की चाहे JEE हो, टेक्नीशियन हो, JEE हो या टेक्नीशियन हो या जो भी वेटिंग में बच रहे हैं, हम सब की बात कर रहा हूँ, वो पेशेंस रखें। ठीक है, और बस एक प्रेशर बनानी है। जैसे आपको पता है कि अप्रूवल हुआ था टेक्नीशियन का 6770, टोटल मिला के 9000 लड़के कम हैं, तो सब कुछ होगी, सिर्फ आप लोग पेशेंस बनाइए। और हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बहुत देख रहे हैं कि ग्रुप में, आपका टेलीग्राम में, सारे चीज़ में देख रहे हैं कि ये वीडियो बन रहा है, ये ऑडियो बन रहा है, ये ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, वो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। भाई, जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं, जिनको अब नौकरी की आस लगी है, हमको पता है जो अभी जुड़े हैं वो भूल गए थे कि हम मेरा नौकरी भी होगा, लेकिन जब क्लियर हो रही है तो सबको आस लग गई है कि मुझे होगी, मेरी होगी। तो जिनको आस लगी है वो पुराने कैंडिडेट का सहयोग करें जो 3 साल से हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको पता है। ठीक है, और आप लोग ये सब दिमाग ना लगाएं, कैंडिडेट का सहयोग करें जो 3 साल से हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको पता है। ठीक है, और आप लोग ये सब दिमाग ना लगाएं, मेरा यही कहना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और आप लोग प्लान करें सितंबर, और मेरे ख्याल से सितंबर का लास्ट वीक में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सितंबर का लास्ट वीक में हम लोग एक प्लानिंग करेंगे, डेट देंगे, और वो हम लोग की प्लानिंग होगी, अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग होगी। वो क्या प्लानिंग होगी आप लोग को ग्रुप में बताया जाएगा। और बाकी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं आइए, जंतर मंतर में धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ़ नारेबाजी करेंगे, ये सब चीज़ें मत करिए, समझ गए ना? बाकी धन्यवाद। अरे अच्छा ही हुआ तुझसे बिछड़ गए मेरी जान, तेरे साथ होते तो आज यहाँ नहीं होते।